वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना वायरस की वजह से देश में 24 मार्च को पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। इस वजह से देश में सभी ट्रेनें पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी। अब लॉकडाउन के बाद रेलवे धीरे धीरे ट्रेनें चलाना शुरू कर रही है। इस दौरान हिंदुस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि भारतीय रेलवे जल्द दिल्ली से देश के कई अन्य शहरों के लिए लगभग 40 जोड़ी अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है रेलवे की यह योजना। दरअसल इन स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। यदि गृह मंत्रालय इन ट्रेनों को चलाने की अनुमति दे देता है तो जल्द ही इन ट्रेनों की घोषणा कर दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन रूट पर ट्रेनों को चलाने की अनुमति रेलवे मांग रहा है उन पर यात्रियों की संख्या, कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के तरीके और जांच के पर्याप्त साधन आदि की तैयारी की जा रही है। इसमें दावा किया गया है कि ट्रेनों के ठहराव और मार्गों के बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन विशेष ट्रेनों को नियमित सैनिटाइज किया जाएगा और यात्रियों को 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। बता दें कि यात्रियों को ट्रेन में सफर करने से पहले उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। साथ ही हर स्टेशनों पर यात्रियों की जनसंख्या को नियंत्रित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। गौरतलब है कि इन ट्रेनों के टिकट यात्री 120 दिन पहले तक खरीद सकते हैं। इन ट्रेनों में तत्काल सीट सिस्टम के तहत कुछ सीटें भी सुरक्षित रखी जाएंगी। बता दें कि रेलवे मंत्रालय पहले ही 12 मई से 15 जोड़ी स्पेशल राजधानी ट्रेनों का परिचालन कर रहा है और 1 जून से 200 से ज़्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा कि रिजर्व रूट्स की कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इन रूट पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यह आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के संकेत हैं। हम ट्रेनों में यात्री की संख्या पर निगरानी रख रहे हैं। हम राज्य सरकारों से भी इसे लेकर बात कर रहे हैं। हम कोरोना संक्रमण को लेकर भी सतर्क हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अमृतसर और चंडीगढ़ के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। पुरानी दिल्ली स्टेशन से फिरोजपुर, पोरबंदर, भागलपुर के लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी, जबकि इनके साथ दिल्ली गाजीपुर सिटी ट्रेन बलिया तक चलाया जाएगा। दिल्ली आने वाली ट्रेनों में जोधपुर, कामाख्या, डिब्रूगढ़, गोरखपुर, इंदौर, मुजफ्फरपुर, हबीबगंज, लखनऊ, मधुपुर से आने वाली ट्रेनें शामिल हैं। तो ये थी कोरोना संकट के बीच रेलवे द्वारा नए ट्रेनों को चलाए जाने के प्रस्ताव से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही रेलवे के इस फैसले पर आप क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।